सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज के साइंस टेक डेली के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूके की एक फर्म है, उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे कि मून के रॉक से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और बाकी का जो मटेरियल आपका बचेगा वो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी सैंपल हमें मून के रॉक्स के अभी तक मिले हैं उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग 45% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और अराउंड बाकी का जो है वो आपका जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है और सिलिकॉन है। तो ये जो बाकी के मटेरियल है उसको बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नासा का कहना है कि मून में मून विलेज बनाए जाएंगे और एक परमानेंट लूनर बेस बनाया जाएगा जहां पर नासा और दूसरी प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर कार्य करेंगी, रिसर्च करेंगी बहुत सारे एरियाज में, लाइफ सपोर्ट, हैबिटेट कंस्ट्रक्शन, एनर्जी जनरेशन, फूड एंड मटेरियल प्रोडक्शन, इन सारे एरियाज में वो आपका कार्य करेंगी। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप अर्थ में भी बात करो तो अर्थ में भी ये प्रोसेस यूज में होता है कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज भी होती है वो एक अनवांटेड प्रोडक्ट के रूप में होता है, यूज होती है। सो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द लूनर सरफेस, जो ये लूनर सरफेस से ऑक्सीजन रिलीज होगी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली जो एयर है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, बेस बना रहे हो, तो वहां पे जो एयर क्रिएट करना सांस लेने के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन और दूसरी कुछ गैसेस मिक्स करके आप यूज कर सकते हो ब्रीथिंग एयर के रूप में। दूसरा ये है, इट इज ऑल्सो वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी ये एक बहुत ही वाइटल कॉम्पोनेंट है और दैट कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द मून एंड यूज टू रिफ्यूल स्पेस क्राफ्ट बाउंड फॉर डीप स्पेस। मतलब जैसे अब आप यहां से लेकर जा रहे हो तो वहां मून में रिफ्यूल किया जा सकता है और अगर और दूर तक जाना है तो वो जाया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर मोर देन 4 decades ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशंस जो है वो ज्यादातर रिस्ट्रिक्टेड थे टू मिशंस टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ज्यादातर जो अर्थ के लगभग 220 miles तक का जो एरिया वहां तक ही मिशंस आपके वहीं तक थे। तो अब क्या है कि जब आपके पास यह अपॉर्चुनिटी आती है कि आपके पास वो फ्यूल है जो कि रॉकेट प्रोपेलेंट में इस्तेमाल हो सकता है, तो उस फ्यूल का, जैसे ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, तो उसके थ्रू हम डीप स्पेस तक एंटर कर सकते हैं। तो इसका ये भी एक काफी एक आप कह सकते हो बेनिफिट है और अभी मून पर काफी फोकस भी किया जा रहा है। लूनर गेटवे प्रोग्राम हैज सेट इटसेल्फ द एम्बिशियस गोल ऑफ रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून एज अर्ली एज 2024 विथ क्रूज ट्रांसपोर्टेड अब्रॉड। नासा ओरियन स्पेस क्राफ्ट भी है आपका। सो यहाँ पे कुल मिला के जो प्रयास किया जाएगा कि जैसे ह्यूमंस को मून तक में लेकर जाना, वहां सेटल कराना, वहां पे ब्रीथिंग एयर लाना, वहां पे जो रॉकेट आप स्पेस क्राफ्ट इस्तेमाल करोगे उसके फ्यूलिंग के लिए फ्यूल के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज द कोड SPLIV। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।